हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कोटक नियो ऐप से कोर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, यानी कि आपका ऑर्डर और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में कैसे लगेगा, ये आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और समझाने वाला भी हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग फ्री में ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिना ब्रोकरेज के, है ना, तो आप लोग कोटक नियो ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और डीमैट अकाउंट कहाँ से ओपन कराएंगे, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप यहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फ्री ब्रोकरेज का यूज़ करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ अगर आप लोग ब्रोकरेज देना चाहते हैं तो कोई दूसरे ऐप से आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोटक नियो ऐप से आप लोग को डेफिनेटली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए और फ्री में यहाँ से अपना ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोग कोटक नियो ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा चुके हैं, अब आप लोग कोर ऑर्डर सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने ऐप पे मिलते हैं, ओके। तो गाइस, जैसे ही आप लोग अपने ऐप को लॉगिन करेंगे ना, आप लोगों को गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। टॉप पे देखिए सर्च शेयर्स का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है फंड के साइड में आपको, ठीक है। तो बस इसी को क्लिक करना है और यहाँ स्टॉक सर्च कर देना है। तो लेट सपोज हम टाटा स्टील पे ट्रेड करना चाहते हैं और अपना कोर ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टाटा स्टील सिंपल सर्च कर देंगे और इसी स्टॉक को सिंपल हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं नीचे पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो पे हमारा व्यू है बाइंग के साइड का, तो हम सिंपल बाय के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। देखिए टॉप पे आपको इन्वेस्ट और इंट्राडे का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोगों को सिंपल इंट्राडे के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्वांटिटी आप अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए हम सिंपल एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने जाएंगे। ऑर्डर टाइप पे आपको लिमिट रखना है ना, लिमिट रखने के बाद आपको प्रोडक्ट टाइप पे कोर ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम कौन से रेंज पे एंट्री करना चाहते हैं, अभी देखिए मार्केट का प्राइस 181.33 चल रहा है ना, 181.34 रुपए चल रहा है। तो हम यहां एंट्री करना चाहते हैं गाइस 180 रेंज पे, है ना, हम अपने प्राइस पे एंट्री करना चाहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है ये प्राइस काफी ज्यादा है 181 रुपीज, हम अपने प्राइस पे एंट्री करना चाहते हैं। तो हमारा प्राइस है 180 का, और गाइस हम यहां से 2 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं 178 के रेंज पे। तो आप देख पा रहे हैं ये नीचे पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड मैक्सिमम लॉस आपका 2 रुपए का, है ना। अगर मैं इसको 176 कर दूंगा तो ये देख पा रहे हैं एस्टिमेटेड मैक्सिमम लॉस आपका 4 रुपीज का, है ना। तो अभी हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं 172 के रेंज पे, हम 180 के रेंज पे एंट्री करना चाहते हैं, 178 के रेंज पे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं, 2 रुपीज नीचे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं, 180 हमारा एंट्री प्राइस एंड 178 हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर प्राइस, ठीक है। अब आपको ये सेट द अबो ऑर्डर सेटिंग एज अ डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट कर लेना है। अगर आपको चार्जेस देखना है तो चार्जेस देख सकते हैं। देखिए फ्री ब्रोकरेज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कोटक आपको बिल्कुल फ्री में आपको ट्रेडिंग करवाती है, कोई भी आपसे ब्रोकरेज नहीं लेती, ठीक है। तो ये आपका ब्रोकरेज फ्री है और आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट कोटक नियो ऐप पे होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से अपना अकाउंट ओपन करें, कैसे ओपन करें, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक क्लिक करना है एंड मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियो देख करके आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं, तो हमने अपना एंट्री प्राइस लगा दिया 180 का और हमने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया 178 का एंड आपको सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। अब आपको ऑर्डर जो है ना, आपके ऑर्डर पे शो करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 181.42, अभी आपके रेंज पे नहीं आया प्राइस, आपके रेंज पे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑर्डर कहाँ पे चल रहा होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं होम, वॉच लिस्ट और ये ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के ऑप्शंस को क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे ओपन, क्लोज्ड और बास्केट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को सिंपल ये ओपन के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है और ये आप देख पा रहे हैं आपका सारा कुछ यहाँ शो कर रहा है, आप 180 के रेंज पे एंट्री कर रहे हैं एंड आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लग रहा है 178 के रेंज पे, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आप लोग कोर ऑर्डर का यूज़ करेंगे, काफ़ी आसान है, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इसको मॉडिफाई करना है तो आप लोग ये मॉडिफाई उसी को क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा रेंज पे मार्केट नहीं आ रहा है, मैं 180 इसको कर देता हूँ 30, है ना, मैं अपना ऑर्डर प्लेस करवा देता हूँ। तो अभी देखिए इसका प्राइस क्या चल रहा है, 181.3
वन या 3-5 ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो हम अपना ऑर्डर मार्केट में प्लेस करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ऑर्डर कितना टाइम में प्लेस होता है। तो हम हल्का सा बैक करेंगे, है ना, और हम 181.30 कर दिए, और अभी प्राइस देख पा रहे हैं आप 181.50 चल रहा है। तो अभी हम वेट करते हैं, हमारे रेंज पे जैसे ऑर्डर आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस अभी हमारे रेंज पे अभी भी नहीं आ रहा है ना, तो ये देखिए 181.4644 चल रहा है। तो हम वापस से मॉडिफाई करते हैं और हम कर देते हैं 181.45 कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस होता है कि नहीं होता देखते हैं। ओके, तो ये 181.45 कर दिया और ये मार्केट का प्राइस, एंड देखते हैं ये देख पा रहे हैं हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो गया, और ऑर्डर पे देखते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहे हैं 178 के रेंज पे, है ना, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलना शुरू हो चुका है। तो इस टाइप से आप लोग कोर ऑर्डर का यूज़ करेंगे गाइस, काफ़ी आसान। अब गाइस आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सफिशेंट प्रॉफिट हो गया मुझे या सफिशेंट लॉस हो गया, और आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर काफ़ी दूर है और मुझे इतना बड़ा लॉस और नहीं लेना है, या आपको ऐसा लग रहा है मेरा प्रॉफिट हो गया अब मुझे यहाँ से एग्जिट होना है, सारा कुछ कैंसिल करके मुझे एग्जिट होना है, तो आप यहीं से सिंपल इसी को क्लिक करेंगे और सेल टू स्क्वायर अप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और स्क्वायर अप 1 शेयर्स है ना, और यहाँ से आप सिंपल अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड आपको ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा एंड आप यहां से एग्जिट हो जाएंगे गाइस। ठीक है, और यहां आपको ऑर्डर जो है अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं यहां से आपका ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो गया और ये आपका ऑर्डर यहां से क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो ये वीडियो एक दो बार और देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। लेकिन कवर ऑर्डर ऐसा ही लगाना होता है, कवर ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर और आपका मनपसंद ऑर्डर मार्केट में प्लेस होता है, और ये मैंने आपको लाइव करके दिखाया, और यहाँ से एग्जिट कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो कई बार क्या होता रहता है ना कि आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर पे मार्केट आ ही नहीं रहा है, फिर भी आपको लॉस दिखा रहा है, तो आप क्या करें, अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। मॉडिफाई अगर आपको नहीं आ रहा है, वैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं बना दूंगा, है ना। लेकिन अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, अपने प्राइस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो गाइस मैं इस टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूं, और अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।